So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पोको के M6 5G डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर जो है वॉल्यूम बटन से कैमरे को ओपन कर सकते हो। इसका एक सेटिंग्स आता है, वॉल्यूम डाउन बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करते हो आपका कैमरा ओपन हो जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है। अगर किसी का फोन आपने लिया हुआ है, लोग को अगर पता नहीं है, वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड करने का दिल करता है तो इजिली कर सकते हो, बट उसके अंदर ये सेटिंग्स इनेबल होनी चाहिए। तो चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं इस सेटिंग को एक्सेस कैसे करना है। वेल गाइस, उसके लिए ओपन करेंगे अपना फोन सेटिंग। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके इसमें नीचे आना, एक सेटिंग्स होगा लॉक स्क्रीन का। लॉक स्क्रीन सेटिंग्स पर जस्ट आपने क्लिक करना है। अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, इसमें एक सेटिंग्स होगा लॉन्च कैमरा। लॉन्च कैमरा पे क्लिक करना है। उससे पहले यहां पर कुछ आपको नीचे टेक्स्ट मिल जाते हैं रीड करने को, आप इस नोट्स को रीड करेंगे। डबल प्रेस द वॉल्यूम डाउन और यहां पर बटन टू ओपन कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड। जब स्क्रीन लॉक हो तब आप यहां पर प्रेस करेंगे, डाउन करेंगे लाइक कर सकते हो वॉल्यूम बटन को। तो आपका जो है डबल प्रेस करना है। एक्चुअली डबल प्रेस करने से आसानी से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको इस सेटिंग को जस्ट टर्न ऑन कर देना। तो बहुत ही इजी टू यूज सेटिंग्स है। अगर आपको कैमरे को एक्सेस करना है अभी वॉल्यूम डाउन बटन से तो इजीली कर सकते हैं। आई थिंक समझ गए सेटिंग को इनेबल कैसे करना था। एंड गाइस, फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में मिल जाएगा।